भाई साहब, पुष्पा 2 का टीजर आ चुका है, धमाल मचा चुका है और बर्थडे वाले दिन लॉन्च हो चुका है। तो आरजे रॉक ने जब टीजर देखा था, उनका क्या रिएक्शन है और क्या कुछ कहते हैं ना, बारीकी डिटेल्स निकालते हैं। हमने भी अपना रिएक्शन दिया हुआ ट्रेलर पे, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एकदम से आता है वो आप देख सकते दीपक अलावा चैनल पे। और आरजे रौनक ने आज क्या कुछ कहा है, देखते हैं बउआ का स्टाइल होगा नहीं होगा। भैया छोटे बाल हो तो बढ़ा लो, क्लीन शेव हो तो दाढ़ी वाला ऑयल लगा लो, शर्ट पहन लो रंग बिरंगा, भरे मोहल्ले ले लो पंगा, कंधा टेढ़ा गर्दन टेढ़ी, नजरे थोड़ी रखना सीधी, अक्षय पाजी न देखे तो मुंह में छोटी रखना बीड़ी, क्योंकि ये सारे स्टाइल स्टेटमेंट है जो अल्लू अर्जुन ने 2 साल पहले हमको सिखाए। उन्होंने बताया कि सूटेड बूटेड होकर माइकल जैक्सन जैसे सीआर की तरह आउ करने से ही कूल नहीं बनते, स्टाइलिश आदमी होना तो भरी दोपहर ही कच्ची सड़क पर हवाई चप्पल घसीट कर भी फेमस हो सकता है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात की। सर पर बाल न हो तो भी मुंह की दाढ़ी पर भी हाथ फेर कर हूल दिया जा सकता है, हालत चाहे फकीर चंद हो लेकिन एटीट्यूड गैंगस्टर वाला रखना चाहिए, कुर्सी पर हो या जमीन पर हो आपको टांगों में भी एटीट्यूड रखना चाहिए। पुष्पा ने और कुछ बताया हो या नहीं, लेकिन स्टाइल स्टेटमेंट सेट कर ही दिया है कि नहीं? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अब 2 साल बाद पुष्पा भैया रूल करने आ रहे हैं, यानी 8 अप्रैल स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का बर्थडे है। मेरे और मेरे चैनल के बाकी दोनों लड़कों की तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे। अब उनका बर्थडे है तो सूखा सूखा थोड़ी ना जाएगा, तो सूखा गला गीला करने और अपने दुश्मनों का पजामा गीला करने के लिए पुष्पा रूल करने आ रहा है, क्योंकि इसके मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक रिलीज किया है। आज शाम इसका पहला लुक आया, ये फर्स्ट लुक देखकर मुझे लगा कि पिक्चर तैयार हो गई क्या बस, क्योंकि इतना लंबा तो आजकल ट्रेलर भी नहीं कटता। लेकिन इस फर्स्ट लुक में वो सब कुछ था जो आप एक गैंगस्टर मसाला मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इसके मेकर्स का ये कहना है कि इसको देखकर आपका गैंगस्टर फिल्मों का पूरा ओपिनियन ही बदल जाएगा। वैसे ओपिनियन से याद आया, पुष्पा के इस नए फर्स्ट लुक के बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन है तो होगा सबका ही। आप वापस आते हैं तो ये फर्स्ट लुक बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म में जो वर्ल्ड बिल्ड करता है, सुकुमार ने इस फर्स्ट लुक में वो कर दिया है। पुष्पा फरार है, पुलिस ढूंढ रही है, जंगल में कपड़ा मिलता है, लोग उसके दीवाने हैं, पब्लिक का रॉबिन हुड वही है और उसका अपना स्टाइल इसी में है। अब वो कहां गया है इस चक्कर में, शहर में दंगे हुए हैं, पुष्पा एक जंगल में देखा जाता है और वो सीन भाई लिख कर ले लो, सीटी मार कुर्ता फाड़ फूटा गाड़ होगा। डायलॉग है कि अगर जंगल में सब जानवर 2 कदम पीछे जाते हैं तो समझो शेर आया, और जब शेर ही 2 कदम पीछे ले ले तो समझो पुष्पा आया। अल्लू अर्जुन चांदनी चौक की खरीदी सस्ती शॉल ओढ़े स्क्रीन पर नजर आते हैं, वो वहीं दाढ़ी पर हाथ फेर कर बिना कुछ कहे ही अपने डायलॉग्स बोल देते हैं। लेकिन इस फर्स्ट लुक का मनी शॉट है पुष्पा का सतरंगी कपड़ों में बैठा वो एटीट्यूड, जो कहता है कि अब रूल पुष्पा का। भाई साहब ये सीन देखकर ही मैं बोल दिया कि मेरी जेब में पड़े 150 रुपया, हाथ की घड़ी, शर्ट की जेब में इलायची, माउथ फ्रेशनर और जूता रख लो, लेकिन इस फिल्म का पहला टिकट मेरा काट दो। अब इस फर्स्ट लुक ने उस जमाने की याद दिला दी जब बच्चन साहब का विजय का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता था, उनकी प्रेजेंस ही काफी थी उस टिकट काउंटर पर भीड़ लगाने के लिए। लेकिन यहाँ अल्लू अर्जुन 4 हाथ आगे बढ़कर दोबारा से एक स्टाइल स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुंह में तंबाकू की गोली जितनी छोटी है सामने वाले के अंदर उनका डर उतना ही बड़ा है। वैसे ज्यादा कुछ कहानी के बारे में रिवील नहीं, लेकिन एक चीज तो पता चल गई कि भंवर सिंह शेखावत अपना काम कर चुका है, पुष्पा के ऊपर अपनी चाल चल चुका है। अब इसके टीजर का मेरे को इंतजार है भाई साहब, अगर आपको भी है तो कमेंट में बताओ ना कैसा लगा ये फर्स्ट लुक, कमेंट करके जाओ ना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। बवाल बवाल बवाल, मैं कह रहा हूं बवाल, यही है कि यही होगा, इसने कर दिया अपना, क्योंकि जाके जलील किया था भंवर सिंह को, है ना, फिर वो शादी कर रहा हुआ, शादी के मंडप से उठा के ले गया हुआ वो, और फिर पुलिस स्टेशन में, और फिर वहां से हुई है सजा, फिर सजा काटते काटते जेल तोड़ के निकल लिया, और फिर गोली भी लगी थी, वहां घायल था, और ये सब बताते ना मलेशिया में हो सकता है, चाइना में। अरे भैया पुष्पा है, देसी आदमी है, जंगल में बैठा अपना आराम से मौज ले रहा भाई। गूज़बम्प्स वाला जो मैं कहूंगा ये अनाउंसमेंट कह सकता हूँ मैं इसको, मैं इसको टीजर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से ये बताया कि पुष्पा आ रहा है, और एक तरह से टीजर कह सकते हो या फिर पार्ट 2 का इंट्रो कह सकते हो आप। भाई ये टीजर अगर 3 साल है तो ट्रेलर में ट्रेलर बवाल मचाएगा, ट्रेलर बहुत कुछ होने वाला है कि जैसे रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिल जाएगी जो उसके साथ होती है, रश्मिका का जो कैरेक्टर है उसके अंदर मजेदार, जिसे कहते हैं ना वो आरजे ने बिल्कुल सही कहा कि मेरी पहली टिकट काट दो भैया, ले लो मेरे से घड़ी, ले लो मेरी 150 रुपए की, मेरे से मेरे लत्ते ले लो, लेकिन तुम टिकट काट दो। वो चीज कुछ मूवीज का एक्साइटमेंट लेवल ही नेक्स्ट लेवल होता है, जो कि हमने देखा था कि जब पहला पार्ट आया था उसके बाद से ही जल्दी आ जाए बस सेकंड पार्ट, और मुझे लगता है कि 2022 के एंड में आना था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया किसी वजह से, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई ना, अब डेट अनाउंस नहीं, लेकिन इसी साल आएगा। अब तो भैया जब सब कुछ दिखाई दिया, मिर्च मसाला तड़का लगा, पूरी पिक्चर तैयार है, बस किसी भी वक्त आपके सामने खाना परोसा जा सकता है, और ये खाना खाने के लिए आपको हॉल जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कोई कह रहा है देखियो देख मजा आएगा, लेकिन रियली एक्साइटेड फॉर दिस, बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगी ये गारंटी ले लो, रिकॉर्ड पहली वाली के भी बैठे बैठे तोड़ देगी रिकॉर्ड।
जिसके फर्स्ट पार्ट इतना वो चला जाता है ना एकदम सुपर डुपर हिट, तो सेकंड की तो अलग ही। आर यू गाइस एक्साइटेड? अरे भैया हो, जो एक्साइटेड नहीं है उसने पहला पार्ट नहीं देखा मतलब। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।